अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। आज का व्लॉग करते हैं जी शुरू। तो आज काफ़ी देर हो गई अपडेट लगाने में। बच्चे स्कूल से होके आ गए, ट्यूशन चले गए और काम वाली काम करके जा चुकी है। अब हम कुकिंग की तरफ आते हैं। आज मैं जो है चिकन राइस पकाने वाली हूँ और इंशाल्लाह आपको इसकी फाइनल लुक भी दिखाऊंगी। तो इसके साथ ही अपने दिन का आगाज़ शुरू करती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आपका दिन भी आपके लिए ढेरों खुशियाँ लेके आए और आप ज़िंदगी में हमेशा कामयाब हो। अल्लाह आपको हर दुख तकलीफ़ परेशानी से बचाए। इंशाल्लाह ढेरों दुआएं आपके लिए। इसके साथ ही करते हैं जी आज का व्लॉग शुरू। जी जनाब, चावलों के साथ मैं चिप्स लाजमी बनाती हूँ और बच्चे बहुत पसंद करते हैं। तो ये इसका मटेरियल भी रेडी हो गया है। एक तरफ ये देखिए, ये भी रेडी है, बस चावल डालने हैं। और दूसरी तरफ मैंने कढ़ाई रख ली है चिप्स फ्राई करने के लिए। तो जब रेडी हो जाता है तो इंशाल्लाह आपके साथ दोबारा शेयर करते हैं। मैं मदरसे से आ चुका हूँ, तो आप चलते हैं वो टेरेस में और देखते हैं क्या हुआ है, तो फिर हम चलते हैं। जस्ट मैं ऊपर आया हूँ टेरेस में और ये मैंने देखें कितना रश हुआ पड़ा है कॉलोनी में। बाकी आप देख सकते हैं आज टाइम कोई हो रहा है 4:30 के करीब और शाम हो गई है। तो बाकी तो मैंने आपको ये दिखा दिया कि रश कितना हुआ है। तो बाकी आप व्यू देख सकते हैं। वैसे एक चीज़ दिखाऊं, ये देखिए ये जो फूल है ना, यहाँ से लेकर नीचे तक गेट तक ये पूरे ये ऐसी कली लगी हुई है और ये आप देख सकते हैं बहुत प्यारे फूल हैं। तो अब नीचे चलते हैं। तो गाइज अब मैं नीचे आ चुका हूँ, तो अब मैं फ्री हूँ। तो मैं जितनी देर फ्री हूँ, तो मैं जब भी फ्री हूँ तो मैं अपने क्यू से खेलता हूँ और मैं आपको भी दिखाऊँगा मुझे क्यू पे कौन कौन से ट्रिक्स आती हैं। तो पहले जो ट्रिक है उसमें मैं ये एच बनाऊंगा, इसका ब्लू पे पूरा एच, ठीक है। उसके लिए मैं पहले क्या करना होगा, पहले मिडल से दो बार, फिर आपका लेफ्ट दो बार, फिर मिडल से फिर लेफ्ट। और आप ये देख सकते हैं कि यहाँ से भी एच बन चुका है और यहाँ से भी एच बन चुका है। और अब दूसरे ट्रिक के लिए मुझे थोड़ा सोचने दें, फिर मैं आपको बताता हूँ। तो गाइस अब दूसरी ट्रिक मैंने सोच ली है और वो ट्रिक का नाम है डोनट्स। तो आप जैसे देख सकते हैं ये जो फूल है बीच में ये वाले कलर जो यहाँ पर ना यहीं पर है। तो अब हम क्या करेंगे, जो ये कलर होंगे उनमें ये रैंडम कलर होगा, ठीक है। चलो हम करते हैं। उसके लिए हमें क्या करना होगा, मिडल फिर ये देखिए, पहले हम इसको उठाएँगे, इसको ऐसे और लास्ट ऐसे। और अब आप देख सकते हैं ये डोनट्स बन चुके हैं कि पहले आपने देखा था कि ये सारे थे, तो इनके ऊपर ये थे जो ग्रीन का वो येलो में है बड़ा, जो ऑरेंज का है वो ब्लू में। तो अब मैं इसको सॉल्व करता हूँ, फिर मैं आपको दूसरी ट्रिक भी बताता हूँ। तो उसका हम सॉल्व करते हैं। तो हमने करना क्या है, जो ये लेयर होती है ये वाली, तो उसको हमने ना आगे देखना कि अगर ये लेयर उसका आगे वही पर्पल ही है, तो पहले हम करेंगे। जब हमने ये कर लिया तो ये साइड पे देखेंगे ग्रीन है, तो ग्रीन यहाँ पर है तो ग्रीन का उसमें लाएंगे, फिर तो येलो होगा, फिर उसको येलो में लाएंगे, फिर आप खुद देख लीजिएगा ये हो गया। तो आप एक है ट्रिक, उसका नाम है, उसका आर यू करना पड़ता है। अगर हम भाई हमदान को भी आता है, मुझे भी आता है, तो हम इसको रू कहते हैं। तो इसमें ये होता है ये अप, ये आप देखिए अप लेफ्ट डाउन राइट, देखिए ये बन गया। फिर हम अप लेफ्ट डाउन राइट, अप लेफ्ट डाउन राइट। तो आपने इसको कितनी बार करना है बताता हूँ। पहले आप इसको एक बार कर लेंगे, तो आप उसको पांच बार रिपीट कर लें। मैंने एक बार कर लिया, ये वन, ये टू, ये थ्री, ये फोर और ये फाइव। तो गाइस अब मैं नीचे आ चुका हूँ, तो अब मैं फ्री हूँ। तो मैं जितनी देर फ्री हूँ, तो मैं जब भी फ्री हो तो मैं अपने क्यू से खेलता हूँ और मैं आपको भी दिखाऊंगा मुझे क्यू पे कौन कौन सी ट्रिक्स आती हैं। तो पहले जो ट्रिक है उसमें मैं ये एच बनाऊंगा, इसका ब्लू पे पूरा एच, ठीक है। उसके लिए मैं पहले क्या करना होगा, पहले मिडल से दो बार, फिर आपका लेफ्ट दो बार, फिर मिडल से फिर लेफ्ट।
और आप ये देख सकते हैं कि यहाँ से भी एच बन चुका है और यहाँ से भी एच बन चुका है। और अब दूसरे स्टिक के लिए मुझे थोड़ा सोचने दें, फिर मैं आपको बताता हूँ। तो गाइस अब दूसरी ट्रिक मैंने सोच ली है और वो ट्रिक का नाम है डोनट्स। तो आप जैसे देख सकते हैं ये जो फूल है बीच में ये वाला कलर जो यहाँ पर ना यहीं पर है, तो आप हम क्या करेंगे जो ये कलर होंगे उनमें ये रैंडम कलर होगा। ठीक है चलो हम करते हैं। उसके लिए हमें क्या करना होगा, मिडल फिर ये देखिए, पहले हम इसको उठाएंगे, इसको ऐसे और लास्ट। और आप देख सकते हैं ये डोनट्स बन चुके हैं कि पहले आपने देखा था कि ये सारे थे तो इनके ऊपर ये थे जो जो ग्रीन का वो येलो में आया पड़ा है, जो ऑरेंज का है वो ब्लू में। तो अब मैं इसको सॉल्व करता हूँ, फिर मैं आपको दूसरी ट्रिक भी बताता हूँ। तो उसका हम सॉल्व करते हैं। तो हमने करना क्या है, जो ये लेयर होती है ये वाली, तो उसको हमने ना आगे देखना कि अगर ये लेयर उसका आगे वही पर्पल ही है तो पहले हम करेंगे। जब हमने ये कर लिया तो ये साइड पे देखेंगे ग्रीन है तो ग्रीन यहाँ पर है तो ग्रीन कैसे मिलाएंगे, फिर तो येलो होगा फिर उसको येलो मिलाएंगे, फिर आप खुद देख लीजिएगा ये हो गया। तो आप एक है ट्रिक, उसका नाम है, उसका आर यू करना पड़ता है, मगर हम भाई हमदान को भी आता है मुझे भी आता है तो हम इसको रू रू कहते हैं। तो इसमें ये होता है ये अप, ये आप देखिए अप लेफ्ट डाउन राइट, देखिए ये बन गया। फिर अप लेफ्ट डाउन राइट, अप लेफ्ट डाउन राइट, अप लेफ्ट डाउन राइट। तो आपने इसको कितनी बार करना है बताता हूँ, पहले आप इसको एक बार कर लेंगे तो आपको पांच बार रिपीट कर लें। मैंने एक बार कर लिया ये वन ये टू ये थ्री ये फोर और ये फाइव। जी जैसा कि आपको पता है कि आज इंडिया और पाकिस्तान का T20 पहला मैच है, तो सब जो है मैच देखने में मसरूफ़ हैं, सारे काम छोड़ दिए बैठ गए हैं। तो ये जनाब, हाँ तो यहाँ भी सब बैठे मैच ही एंजॉय कर रहे हैं। जी क्या लगता है कौन जीतेगा? अच्छा अभी तो पाकिस्तान ने खेलना है, पहले से पता है कि पाकिस्तान जीत जाएगा। ओके जी चलो इंशाल्लाह जी पाकिस्तान ही जीतेगा, हम वेट कर रहे हैं। जनाब पाकिस्तान जीत चुका है विनिंग इनिंग। ये बच्चे तो बहुत खुश हैं। चलो जी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, लामिया ने जो है जीत दी पाकिस्तान को। इसी तरह इंशाल्लाह इंशाल्लाह T20 वर्ल्ड कप भी पाकिस्तान जीत जाएगा इंशाल्लाह। बहुत अच्छा खेला, बहुत अच्छा खेला माशाल्लाह, और बहुत मज़ा आया मैच देखने में आज। उम्मीद करती हूँ आप सबको भी बहुत मज़ा आया होगा मैच देखते हुए। जैसा कि पाकिस्तान मैच जीत गया तो इस खुशी में बच्चों को चाहिए था कुछ कि जी हमें चीज़ लेके दें या कौन खिलाएं या हमें बाहर लेके जाएं, तो उनको बाहर लेके निकले हैं, कुछ लेके देते हैं उनको। आप बताइएगा कि आप पाकिस्तान का मैच जीतने की खुशी में क्या कर रहे हैं। चलें जी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, यहाँ पे थोड़ी देर पहले बहुत ज़्यादा रश था, लोग बहुत ज़्यादा सेलिब्रेट भी कर रहे थे, लेकिन वहाँ पे रश इतना था कि मैं बिल्कुल भी वीडियो नहीं बना पा रही थी। वो सामने देखिएगा कि शायद आपको नज़र आए कि अभी भी लोग खड़े हैं और इन्जॉय कर रहे हैं मैच। और हालांकि लेट नाइट हो चुका है काफ़ी, लेकिन फिर भी लोग काफ़ी ज़्यादा निकले हुए हैं। अब तो कहीं भी लॉकडाउन का लगता ही नहीं है कि कहीं लॉकडाउन भी है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह मियाँ सब कुछ बेहतर कर दे। तो
चले ठीक है, बच्चों को कुछ लेके देते हैं, फिर मिलते हैं बाद में। ये इन्होंने बनवा ली है अपने अपने शॉपर, अब ये खुश है वरना इनके मुंह बने हुए थे। तो माशाल्लाह ये रेडी है अपनी चीजें लेके। चलो बैठो गाड़ी में बैठो। खुश हो जी? अब मजा आ रहा है पाकिस्तान के जीतने पे? जी तो बहुत ज्यादा आ रहा है। चलो घर चले, आप सुबह स्कूल भी जाना है। चले तो